नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। सुनील दत्त फिल्म रेशमा और सेरा की शूटिंग के बीच बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त ने अपनी फिल्मों और अपने काम से जबरदस्त पहचान बनाई थी। सुनील दत्त अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ सादगी के लिए भी खूब जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी खूब सिक्का चलाया था। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सुनील दत्त बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। इतना ही नहीं, कर्ज से बाहर निकलने के लिए सुनील दत्त को अपनी कार बेचनी पड़ गई थी, साथ ही बंगले को भी गिरवी रखना पड़ा था। सुनील दत्त ने इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। यह वाक्या फिल्म रेशमा और सेरा की शूटिंग से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में सुनील दत्त और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका अदा की थी। साथ ही अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राखी भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। इस फिल्म के जरिए ही सुनील दत्त ने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। सुनील दत्त ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए अपने इंटरव्यू में कहा था, जब तक फिल्म पूरी हुई तब तक मुझ पर करीब 60 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। इसके अलावा मैंने एक एक्टर के तौर पर मिली 5 फिल्में भी ठुकरा दी थी। सुनील दत्त ने आगे बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद लोग अपने अपने पैसे मांगने के लिए मेरे पास आने लगे थे। सुनील दत्त ने इस सिलसिले में आगे कहा, मैं 42 साल का था और 3 बच्चों का पिता था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि मेरी 6 से 7 कार भी बिक चुकी थी। एक कार बची थी बच्चों को स्कूल छोड़ने और उन्हें लाने के लिए। मैंने हर जगह बस में सफर करना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर लोगों ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस दौरान नरगिस का प्रीव्यू थिएटर मेरे काफी काम आया था। इस थिएटर में फिल्म निर्माता डबिंग और प्रीव्यू के लिए आने लगे थे। फिल्म रेशमा और सेरा सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में ब्रेक देने के लिए बनाई थी। दरअसल नरगिस और सुनील दत्त को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का खत मिला था, जिसमें बिग बी को बॉलीवुड में ब्रेक देने की बात कही गई थी। कई प्रोडक्शन हाउस से बातचीत करने के बाद जब कहीं भी अमिताभ बच्चन के लिए बात नहीं बन पाई तो सुनील दत्त और नरगिस ने खुद ही फिल्म बनाने का निर्णय किया था। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।